नेपाली मन मन को आवाज हो यो रेडियो सांदी 96.4। नमस्कार प्रणाम ढेर सारा स्वागत और सम्पूर्ण श्रोता के जी श्रोता रुआ विश्व डहलबानी रेडियो सानवी छानुन का 4 मेगाहर्ज पर कार्यक्रम चौकस और आज हमने चौकस रक्षाबंधन विशेष में बानी सन और हमने के आज ही विशेष दिन के और ज्यादा विशेष बनावे खातिर हमने के साथे आज बहुत ज्यादा अतिथि लोग बानी जे अपन भाषा साहित्य संस्कृति पर चौकस काम कर रहल बानी और आज हमने के अपन परंपरा संस्कृति के बारे में चौकस बात कही करम सन और रचना के माध्यम से जे भाई बहिन आज के दिन अलगे अलगे बानी एक साथ नहीं की रह पावत अपन पर्व नहीं की मनावे पावल उ लोग के आज के हमने के अपन रचना साहित्य के माध्यम से ई दिन चौकस बनावे के प्रयास करम सन। सबसे पहले हम कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहेम हमने के अशोक कुशवाहा जी जे संस्कृति कर्मी है वहाँ के साथ हमने के बानी अनिता शाहजी जे कवित्री है विद्या शर्मा जे लेखिका है प्रिया मिश्रा जे कवित्री है और विवाह मेहता जे लोक गायिका है हमने के ई पांचों जने से आज के ई चौकस रक्षाबंधन विशेष में बतकई करम सन। सबसे पहले हमने ये कार्यक्रम में स्वागत करम सन अशोक कुशवाहा जी, स्वागत बार हुआ है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। जी अब ई हमने के आज ज्यादा इन्होंने के बात ना कही लेकिन ऐसा के रक्षा विशेष रक्षाबंधन विशेष में बानी सन समय भी हमने के लगे कमे बाटे। अब रक्षाबंधन जवन की एगो भाई बहन के पवित्र रिश्ता के दर्शावे वाला पर्व हवे ई बंधन के आम लोग के मान्यता का रहल बा? बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम खातिर और सानवी एफएम के सुन रहल सानवी रेडियो के सुन रहल सारा श्रोतागण के भी हम रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर शुभकामना देवे के चाहम। आम लोग के मान्यता के अगर हिसाब से देखल जाओ तो रक्षाबंधन एगो भाई बहन के बीच के प्रेम के एगो प्रतीक मानल गेल बा। रक्षाबंधन एगो भाई बहन बीच के एगो प्रगाढ़ प्रेम जो होला हमने के समाज में एकरा कैसे आगे बढ़ावल जा सकता है रक्षाबंधन के ऊपर ही देखल गेल बटे। रक्षाबंधन एगो ऐसा त्योहार जो उनकी भाई बहन तो टूट के प्रेम के आगे लेके चल रहा है। रक्षाबंधन की अगर बात कर जाओ तो रक्षाबंधन हर एक साल श्रावण के महीना में पूर्णवासी के दिन पड़ेगा और सावन महीना में पड़ला के वजह से एकरा के कहीं कहीं सावनी कहीं सलूनो कहीं हमनी के सिंपल भाषा में राखी भी कहे नहीं सन और कहीं कहीं बल्ले भी कहल जाला। हालांकि रक्षाबंधन में राखी और रक्षा के विशेष महत्व देवल जाला। एगो रक्षा एगो कच्चा सूत देखल जाओ तो रक्षा के मतलब वो सुरक्षा और बंधन के मतलब होला बाध्य। मतलब आज के दिन बहिन ईश्वर से अपन भाई के तरक्की आ दीर्घायु के इस प्रार्थना करत भाई के दहिना हाथ में राखी बांधेला लोग हर एक भाई लोग बहिन के हर समय हर संभव प्रयास हर एक संकट से उ लोग के बचावे खातिर सुरक्षा करे खातिर सहयोग खातिर उ लोग एगो वचन देवेला। अब इतिहास के जोन बात कहनी है अपने एगो चीज और कहे के चाहे आजकल के समाज में एगो नया शुरुआत देखल गेल बा रक्षाबंधन के ऊपर। उपति देखे की मिलल बा की बहुत सारा बहिन लोग प्राकृतिक के संरक्षण खातिर गाछ और वृक्ष के भी आज के दिन राखी बांधे के एगो नया शुरुआत कैले बलो जो उन कार्य समाज और वातावरण खातिर एगो उदाहरण या सराहनीय मानल गेल बटे देखल भी गेल बटे। जो इतिहास के अपने बात करनी है तो इतिहास के अगर संदर्भ देखल जाओ तो रक्षाबंधन के इतिहास अनेकों प्रसंग से जुड़ल देखल जाला। जैसे की सामाजिक प्रसंग धार्मिक प्रसंग पौराणिक प्रसंग चाहे साहित्यिक प्रसंग जैसे की हम अभी जो बात कहनी है सामाजिक प्रसंग से जुड़ल जा सकता है। पर एगो रक्षाबंधन में राखी बांधे के समय पे एगो मंत्रोच्चारण कल जला मंत्रोच्चारण तो खास हमारा
नहीं कह पर हूँ। मंत्रचारण के एगो कहानी बढ़े ओकर इतिहास बढ़े जो इतिहास में मतलब एगो मानल गए हालांकि रक्षाबंधन के इतिहास कब से शुरू भेल भाई कोई नहीं के बता सकत और कहीं लिखल भी नहीं के अभी तक मिलल। मंत्रोच्चारण का कहल गए बा कि एक इतिहास देखल जाओ तो स्कंद पुराण पद्म पुराण और मद भागवत गीता में भी मिलल और मंत्रोच्चारण के हिसाब से जो मद भागवत में बामन अवतार के जहाँ कथा कहल गए वो कथा में रक्षाबंधन के वर्णन कर गए बटे जेमे एगो दानव के राजा दानवेंद्र राजा पाली लगभग 100 वर्ष के 100 गो अपन यज्ञ पूरा करके बल प्राप्त कर ले रहे बल प्राप्त कर ले के बाद उस स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और इंद्र के ऊपर जब भी भारी पड़े लगभग तो इंद्र भगवान विष्णु के शरण में गए और भगवान विष्णु उनकरे के सहयोग करे खातिर एक बामन अवतार के रूप में राजा बाली के लगे पहुंच ले और बाली से जाके भिक्षा मंगले। भिक्षा में वो 3 पग के जमीन मंगले रहनी तो राजा बाली के गुरु शुक्राचार्य जी दानव जरा के दानव के गुरु भी मानल जाला वहां के मतलब मना कैले के बावजूद भी राजा बाली अपन वचन से हार गए नी 3 पग जमीन देवे के तैयार हो गए नी। 3 पग जमीन में वामन अवतार में विष्णु जी आकाश धरती का बोला तीनों लोक के कहा जाऊ तीनों लोक के कहनी नाप देनी नाप के अग्रबाद क्या कहनी की राजा बाली के सरातल में भेज देनी। सरातल में गेला के बाद अब राजा बाली फंस गए के बाद वो का कहनी की भक्ति में लीन होके वो अपन भक्ति शक्ति से विष्णु जी के बाध्य कर दिलन की 24 घंटा हमारा आंख के सामने रहे खातिर। जब विष्णु जी उनका भक्ति में बाध्य होकर जब उनका लगे रहे लगल अर्थात उनके दरबारी बना के रख दिल तो लक्ष्मी जी के दिक्कत होके लागल कि इतना दिन से ना ही नहीं कहके तो लक्ष्मी जी अपन सारा समस्या नारद मुनि के सुनौली तो नारद मुनि सारा बात बतैलन तो लक्ष्मी जी वो अबला नारी के रूप में उनका लगे राजा बाली लगे पहुंच ली और राजा बाली लगे पहुंच के कि हमारा लगे कोनो भाई नहीं है उनका एक भाई बनावे के प्रस्ताव में तब बोला बाली जी कहले कि हम मतलब ठीक बा हम तुहरे एगो धर्म भाई बने के तैयार बने तो धर्म भाई बने के इसी में लक्ष्मी जी उनका के उनका हाथ में एगो रक्षा सूत्र बनने रही और रक्षा सूत्र बांध के उनका से वचनबद्ध कैली कि अब हमारा सुरक्षा में हर संभव तैयार रहे के पड़ी तो बाली अपन वचन से हार गए और वो बड़ा का के लिए कि लक्ष्मी जी उनका से अपन पति विष्णु जी के मांग करके लेके आए रही जो मतलब वो पौराणिक कहावत बाकी रक्षा बंधन के शुरुआत यहाँ से शुरू हुई। हालांकि महाभारत में भी देखे के मिलेला और भविष्य पुराण में भी देखे के मिलेला अनेक जैसे कि हमने के कृष्ण जी या द्रौपदी जी के भी कहानी सुने के मिलेला जी, समय के अभाव बटे उसे एकरा के डिटेल में बहुत कम समय में बहुत चौकस रुआ जानकारी देनी है जे हमने के रेडियो सुन रहा बानी श्रोताबिंद सबकर दिन एबरा राखी के पावन अवसर में चौकस भइलो। सबसे पहले तो रुआ ई जानकारी देनी हमने के संगे अपन समय साझा कहनी ओकरा खातिर रुआ के ढेर सारा धन्यवाद सहित ई रक्षाबंधन के विशेष अवसर में शुभकामना बाटे। बहुत बहुत धन्यवाद बताए बहुत सब कोई के जितना भी श्रोता गण पर सब कोई के रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर सब कोई के हम भी शुभकामना धन्यवाद देवे के चाहे धन्यवाद जानदेव धन्यवाद। और हम अब हमनी के संगे बानी अनीता शाह जी जे कवित्री हई और एगो वहाँ भी बहिन हई और आज के दिन में ई लॉकडाउन के बीच में अपन मन के बात कैसे साझा करेम अपन भाई लोग से हमनी के अब वहाँ के पहले कार्यक्रम में जुड़े स्वागत करवा कार्यक्रम में अनीता जी धन्यवाद सब कोई के हमर प्रणाम पहुंचो आज राखी के शुभ अवसर पर सभी से श्रोता लोग जी। अब रउआ ई जौन रक्षा बंधन ह एगो बहिन के नाते राउर बुझाई का रहल अनीता जी आवाज पहुंचता जी। अब एगो जी अब एगो बहिन के नाते राउर बुझाई का रहल ई रक्षा बंधन के बारे में। हाँ रक्षाबंधन के बारे में तो बहुत सारा बात हमने के अशोक जी के माध्यम से पता चलल बहुत बढ़िया जानकारी शुरुआत कहाँ से भेल एगो इतिहास वहाँ से पता चलल और हमार अनुभव ये रहा कि ऐसो के राखी के अनुभव के बारे में हम बतावे के चाहते बहुत ही दुखद अनुभव रहे जी तो दुखद अनुभव के समय के लिए अपन एगो रचना में जी जी। साक्षी छंद में भोजपुरी में भी साक्षी और ज्यादा समय न लेते हुए
अपना शुरू कर जी जी वही आंख पे भार, कोरोना के कारण बहना, कोरोना के कारण बहना, सकने आपन द्वार, सकने आपन द्वार, नैहर हरदम जात रहे हम, मन में रहे उमंग, नैहर हरदम जात रहे हम, मन में रहे उमंग, एह बरस से रक्षा बंधन, धन्य खुशिया भंग, धन्य खुशिया भंग, बिनती बाघो ने नाथ कनिक विपत हरि तत्काल, बिनती बाघो ने नाथ कनिक विपत हरि तत्काल, खूब असीम कृपा से राउर, खूब खूब असीम कृपा से राउर, नीमन होके हाल, नीमन होके हाल, अगला रक्षा बंधन पर प्रभु जाई भाई द्वार, अगला रक्षा बंधन पर प्रभु जाई भाई द्वार, टीका चंदन माथ लगाए, टीका चंदन माथ लगाए, भूखे उमर हजार, भूखे उमर हजार, ईशो राखी बहुत बुझाई, बही आंख से हार, कोरोना के कारण बहना, सकिहे आपन द्वार, सकिहे आपन द्वार, धन्यवाद। बहुत छोटा सा रचना लिखी रहनी हम अपन मन के भाव, ऐसो नैहर ना जाए सकनी, एक दिन पहले हम हमेशा नैहर जाए रक्षाबंधन में जी। बहुत लोग अभी ऐसा बानी जे कहीं ना कि बीतल साल वा बीतल वर्ष जौन काम करत रहे नी साल उ नहीं करे पावत, विशेष करके भाई बहिन के जौन एगो कहीं ना कि पवित्र रिश्ता के अमर बनावेला जौन पर्व आवेला ओमे भी आज के दिन भी लोग अलगे बाटे। रुबा अपन रचना के माध्यम से हमनी के साथे जुड़ने वाला खातिर ढेर सारा धन्यवाद सहित राखी के ढेर सारा शुभकामना बरुआ के जी। श्रोता वहाँ के रनिया अनिता शाह जी जे अपन रचना के माध्यम से जे भाई बहिन आज के दिन में दूरबानी कलाई सुन बाजे भाई के वहाँ अपना रचना के माध्यम से उ प्रयास कैनी है कि उ ने उ सने उ भाई तक पुगे। और अब हमनी के संगे बानी विजया शर्मा जी जे लेखिका हई और हमनी के समाज में रहल हरेक गतिविधि के वहाँ के लिखित रूप में उतारे के प्रयास करनी। सबसे पहले वहाँ कार्यक्रम में स्वागत कर स्वागत पर वह कार्यक्रम में विजया शर्मा जी। सबसे पहले तो रेडियो सनवी के धन्यवाद और राहुल भी धन्यवाद श्याम जी आज की पावन पर्व पे हमरा मंच देवे खातिर, साथ ही साथ ही रेडियो सनवी के देश विदेश के श्रोता लोग के हमारा बहुत हरिया प्रणाम और रक्षाबंधन के लिए का शुभकामना जी। अभी भाई बहन के जे प्यार बाटे इस शुरुआत में जब कहीं ना कि चलते आवल रउर जब शुरुआती में देखते है नी रउर एगो विशेष जौन काम बा सब चीज के रउर लेखनी में उतारे नहीं लेखे के प्रयास करे नहीं दस्तावेज बनावे के प्रयास करे नहीं इ बीतल याद के साथे का अनुभव रहल अभी तक ले। देखी बचपन के तो याद अमोल होखबे करेला आ इहो बात साच बा कि समय के फेरा संगे संगे दौर बदलबो करेला, बाकी उ दौर में जो मुख्यतः बदलाव हम देखत आनी उ पहला हम कहल जा कि राखी के पूर्णतः भाई बहिन के पर्व बना दिया गई बा, जबकि अगर मूल रूप से देखी जैसे अशोक जी भी बतेनी चाहे दीदी भी बतेली तो अगर रौरा देखब तो मूलतः रक्षा के वचन के पर्व है, जोन एगो भाई अपना बहिन के भी तो एगो जजमान अपन पुरोहित के भी दे सकेला। हमनी के बचपन में देखले बनी जा कि पुरोहित लोग आवत रहे वो हमनी के भाई बंधु सबके राखी बांधल श्लोक आ रक्षा के पर्व बात रक्षा के वचन लो श्लोक। दूसरा का जोन हम महत्वपूर्ण बदलाव देख रहा बनी वह राखी पर्व के बजादीकरण हो गई बा, जहाँ महत्व रहे एगो कच्चा सूता के अब बढ़त बढ़त सोना चांदी के राखी में भी तब्दील हो गई बा, अब ओकरो से एक कदम आके होके कस्टमाइज राखी तक पहुंच गई बा। तीसरा मुख्य बदलाव जो हम देख रहा बानी वह वचन से गिफ्ट तक के बदलाव, अब हमने की यहाँ एगो होड़ दौड़ हो गई बा कि के कैसन गिफ्ट ले रहा बा कि अपन बहिन के कतना गिफ्ट दे रहा बा, जबकि इस तरह एगो भाव के पर्व अब एक अर्थ के हिसाब से मेरे भी मूल भाव हो रहा बा जी।
अगर भीतर याद के माध्यम से जो हमारा अनुभव बा ओकरा हम ए हिसाब से पन्ना में उतारनी, काहे कि हम देख रहल बानी कि हमनी के पीढ़ी है जा जे पुरनका समय भी देखले बा, यानी उ पुरोहित जजमान वाला भी समय आ नयका संगे भी ताल में ताल मिला रहल बा। हमनी के पीढ़ी है जा जे अपने हाथे राखी भी बनेले बनी जा, आपन भैया लोग की कलाई भी सजोले बनी जा, आ हमनी के अभी उ पीढ़ी भी बनी जा जे आज वर्चुअल वर्ल्ड पे राखी चुन के कुरियर से भैयन के राखी भेजत बनी जा। कहे कि मतलब बा कि भागम भाग की ए जिंदगी में कुछ सगत पीछे तो जरूर छूट रहल बा, जन हमार कोशिश बा कि छोट छोट संस्मरण जन हमरा संगे बीतल बा, जन हमार आजू बाजू बीतल बा, ओकरा फिर से मानस पटल पे अपन लेखनी के सहारे उतारी, आप विरासत जन बिसर रहल बा ओकरा अपन धरोहर समझ के अपन नयका जनरेशन के सौंप दी। अब देखिए को बहुत अच्छा चीज जो हमरा साथे काल भइल बा वो बतावल चाहतनी कि हम एगो लेख लिखनी फेसबुक पे कि कैसे हमनी के राखी बनावत रही जाओ लड़काई में बहुत हुलस रहत रहे वो राखी बनावे खातिर, आ ओकर कुछ ही घंटा बाद एगो हमार दीदी भाई ओजे से जुड़ल कांता उपाध्याय दीदी वो अपन हाथ के बनावल राखी के कमेंट बॉक्स में भेज ली। तो बस हमार प्रयास ये बा कि हमार लेखनी के माध्यम से लोग के दिल में जो बसल पुरनका विरासत बा वो फेन से जागो आ फेन से ऊपर पार्टी के हमनी के संजोई जाए। जी, और हमनी के भी प्रयास ये रही कि जे हमनी के संस्कृति बा जे हमनी के विरासत बा ओकरा के हमनी के बचौले रही सन, और अपन जौन भी माध्यम से जे जुड़ल बानी और रचना होके साहित्य होके लेखनी होके वा अन्य जे गतिविधि जे करतनी वही माध्यम से बचौले रही। रउआ अपन विचार के संगे हमनी के संगे सवेरे सवेरे जुड़ने ओकरा खातिर ढेर सारा धन्यवाद सहित रक्षाबंधन के विशेष शुभकामना बाटे। शुभकामना बा सभी श्रोता लोग के एक बार फिर से शुभकामना, ये पर्व ऐसे ही बना रहे भाइयन के हमनी के जुन कलाई बा वो अमर होके, बस ये शुभकामना जी। धन्यवाद। और वहाँ के हमनी के समाज में रहल विभिन्न गतिविधि पर छोट छोट गतिविधि पर भी वहाँ के कलम चला के ओकरा के दस्तावेजीकरण कर रहल बानी जौन के हमनी के भविष्य में आए वाला पीढ़ी के भी काम लाग सकत बाटे। अब हमनी के लागम सन प्रिया मिश्रा जी के ओर जे हमनी के समाज में रहल हरेक गतिविधि पर अपन कलम चलावतनी साहित्यिक यात्रा से हमनी के कही ना कि परंपरा के अगाड़ी लिया रहल बनी। स्वागत और ढेर सारा कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी और सब कोई के यहाँ है जे भी जुड़ल बानी हमारे आगरा जिले मोहालो के हमारे प्रणाम बा और सारा श्रोता मित्र के हमारे नमस्कार बा। जी, अब विभिन्न परिवेश में विभिन्न कारण बस बहुत भाई के कलाई आज सुना बाटे, बहुत बहिन दीदी लोग अपन भाई के लगे नहीं जा पावल, उ संपूर्ण के समेटत और रचना के माध्यम से कैसे सहभागिता जनाए। जी कहल जाओ तो अभी राखी जोन भाई साल के बड़ा ही दुखद राखी होएल बा, कुछ हमार भी भाई लोग बहुत दूर बानी तो ये दुख हम महसूस करता नहीं, जैसे कि अनिता सा मैम के रचना बड़ा ही भावुक कर दिलक वहाँ के रचना में बड़ा ही सत्यता रहा एकदम, और कुछ संस्कृति के बारे में हमने पौराणिक के जो प्राचीन काल के जहाँ से शुरू बता देनी है और विजया मैम भी बहुत कुछ कहानी है, तो ऐसा ही हम एगो रचना अपन लिखने बानी जो कि देखिए हम हमेशा समाज के विकृति पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि हमके वो युवा कवि ज्यादातर तो अपना समाज जो देख रहा बा संस्कृति वही पर हम ध्यान दे के अपना रचना लिखे नहीं सबसे ज्यादा, तो हमने के अगर सब बहन मिलके ऐसा वचन एगो अपना भाई से लेवल जाई कि हमने के समाज के विकृति के हटा देवे तो उससे ज्यादा बढ़ता गीत हमने खातिर का हुई कि हमने के समाज के नारी सुरक्षित रहे, कहे कि जहां भी गलत हो रहा था कोई ना कोई के भाई कर रहा बड़े, तो यही से हम अपना भाई लोग से एगो अपील करे चाहे या फिर हम संसार के सारा भाई लोग से हम अपना रचना के माध्यम से हम अपन रचना के लिए अनुमति। जी 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 हमारी रचना ये बांध के रात कलाई में भैया मांग ली बहना वादा एक भैया नारी के रक्षा सम्मान तू करिया केहू के बहने के शिकार नहीं करिया केहू के बहने के शिकार नहीं करिया याद रखिया हम तो हरी
है बहिना हमरे जैसे उहो है क्यों के बहिना हमरे ही जैसे उहो है क्यों के बहिना नारी के इज्जत लाज बचैहा भैया तू राखी के बचन निभैहा भैया तू राखी के लाज निभैहा बांध के तुमके पवित्र धागा भैया लेता नहीं तुहसे बचन ये भैया लेते बांध तो से बचने ये भैया कहियो नारी संग अन्याय नहीं करिया गलत नजर से कबहू नहीं तकिया गलत नजर से कबहू नहीं तकिया गली चौराहा में कोनो बेटी के न घेरिया तोहरो बहिने बाड़ी में याद तनी करिया तोहरो बहिने बाड़ी याद तनी करिया दहेज के पीड़ा पत्नी के नाही दिया उनका के हर दम पलकन में रखिया उनका के हर दम पलकन में रखिया कबहू अजन्मी बेटी के नाही मरिया हमरो कहल भैया ध्यान तनी धरिया हमरो कहल भैया याद तनी करिया प्रीत के धागा विश्वास के गहना प्रीत के धागा विश्वास के बहगहना बनता रे तोहरो कलाई बहिना जी हमारे को छोट सा रचना रहा और योजना के साथ साथ हम अपन जो जे भी रेडियो सुन रहा बानी और हमारा साथ जे भी जुड़ल बानी वहाँ सब श्याम जी लोग के भी रक्षाबंधन के ढेर सारा शुभकामना बा स्वस्थ रही सुरक्षित रही और घर में ही रही जी रुवा भी अपन समय देने के खातिर हमने के संपूर्ण रेडियो श्रोता और हमने के रेडियो कर्मी के ओर से ढेर सारा धन्यवाद सहित शुभकामना बाटे रक्षाबंधन के अब हमनी के अंतिम कार्यक्रम जे बानी और अंतिम जे अतिथि बानी वहाँ के अपन संगीत के माध्यम से समाज में रहल विकृति के हटावे के प्रयास करेनी और हर क्षण हर पल रहल सच्चाई के अगाड़ी ले आवेनी सबसे पहले वहाँ कार्यक्रम में स्वागत कर स्वागत पर वहाँ कार्यक्रम में विभा मेहता जी नमस्कार धन्यवाद श्याम जी सबसे पहले तो रक्षाबंधन के ढेर सारा शुभकामना बरुआ के रक्षाबंधन के शुभकामना आप लोगों के बा और रेडियो सामने के सभी टीम लोग के और जे भी श्रोता लोग सुन रहल बा हमरा तरफ से रक्षाबंधन के उन लोग के भी बहुत बहुत शुभकामना बा जी हमने के कार्यक्रम के अंत में बानी सन समय बहुत कम बाटे इसे ज्यादा समय ना लेम सन जे राउर आवाज सुनेला हमने के श्रोता बिंद ललाइत रहनी और उहे आवाज के माध्यम से आज जे भाई बहिन दूर बावे लोग राखी के पर्व नहीं के मना पावे पावत लोग ओ लोग के खातिर एगो छोट गीत कुछ हो जाए राखी हर साल कहे सबनवा में राखी हर साल कहे सबनवा में भैया बहिने के हर नाम रखिया मनवा में हर साल कहे ले सवनवा बहिनी बसिलु तू हमरा सवनवा बहिनी बसिलु तू हमरा सवनवा तोहरे मनसा पुराए भर जन्मवा में राखी हर साल कहेला राखी के धागा के ता महिमा पार हो गंगा जी से बढ़ के भाई
बहनी के प्यार हो, मेरी आए दोनों के बनाए हो। बलहनवा ने देखा टूटला का मोई, सपनवा में आपकी हर साल कहला। रवनवा भैया बही के हर दम रखिया, मनवा में राखी हर साल कहला। धन्यवाद रुआ के भी जे अपन गीत के माध्यम से उस संपूर्ण भाई बहन के याद के ताजा कैनी, और इतना भोरे भोरे अपन अमूल्य समय के साथ ही गीत के संगे हमने के संगे अपन समय साझा कैनी करे खातिर ढेर सारा धन्यवाद। सहित आज की रक्षाबंधन के ढेर सारा शुभकामना बरुआ के। बहुत बहुत शुभकामना श्याम जी, और बहुत बहुत धन्यवाद भी देवे के चाहे। राखी के दिन हर भाई बहन के त्योहार रहेगा, और जे लोग भी दूर बा उन लोग फोन के माध्यम से सुखना अपन भाई लोग के दी, और जे साथ बा उ कोरोना में बहुत ही सावधानी के साथ रक्षाबंधन मनाओ लोग, ये करते हुए हम बहुत ज्यादा धन्यवाद अपने के देवे के चाहे, और रेडवी सैनिक के सभी से टीम लोग के धन्यवाद देवे के चाहे जी। और आज हमने के साथे अतिथि जे रहनी हूँ वहाँ के अपन भाषा साहित्य संस्कृति पर चौकस काम कर रहल बानी, और हमने के भी ये प्रयास रहला कि हमने के जे परंपरा विरासत चलत आई ओकरा के हमने के अपन लेखनी के माध्यम से साहित्य के माध्यम से व बोली के माध्यम से जिले रही सन सबका तक पुगावे में पूरा प्रयास करी सन। और आज के ई चौकस रक्षाबंधन विशेष में सहभागी रहल संपूर्ण अतिथि अशोक कुशवाहा जी संस्कृति कर्मी, अनिता शाहजी जे कवित्री हैं, विद्या शर्मा लेखनी लेखिका हैं, प्रिया मिश्रा जी कवित्री हैं, विवा मेहता जी जे लोक गायिका हैं, ई संपूर्ण लोग आज ई विशेष चौकस रक्षाबंधन विशेष में रहनी हलो, और आज के दिन चौकस मनैनी हलो, एकरा खातिर वहाँ लोग के ढेर सारा धन्यवाद सहित शुभकामना हमने के देवही के परी, और देवे के हमने के दायित्व भी बनताटे। फिर भी नया अतिथि के साथे रुवा सबन के माज में उपस्थित होकर बातचा करत, आज के खातिर प्राविधिक रूप से सहयोग करत सत्येंद्र जी के धन्यवाद देत हम श्याम सर्राफ के दी आज्ञा। सुनत रही रेडियो सानवी चैनल का 4 मेगाहर्ज। सचेत रही, सुरक्षित रही, चौकस रही, सुप्रभात।